शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। आज हम इस फिल्म में होलाष्टकों तथा 3.5 मुहूर्तों और विशिष्ट योगों पर की जाने वाली साधनाओं के संबंध में कुछ प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस चूंकि होलाष्टक अभी शुरू हो रहे हैं, आगे आने वाले वक्त में अन्य जो भी योग मुहूर्त आए और विशिष्ट योग जो साधना के लिए होते हैं, तो आज की ये फिल्म उन लोगों के लिए है जो साधना और सिद्धि करते हैं। तो जो लोग साधना और सिद्धि करते हैं, यह फिल्म वो लोगों के उपयोगी है। और ये साधना और सिद्धि इस होलाष्टकों में तथा और अन्य जो 3.5 मुहूर्त हैं और इसके अलावा जो है जो विशिष्ट योग वगैरह पढ़ते हैं, तब संपन्न की जानी चाहिए, सिद्ध की जानी चाहिए। तो इसमें निर्देश ये है, और प्रमुख रूप से इस बात का हमेशा याद रखें कि जो है बिना दीक्षा लिए मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। पहले किसी को गुरु बनाएं और दीक्षा लें। बगैर दीक्षा मंत्र जाप करने से क्या क्या हानि होती हैं, इसके संबंध में ग्रंथों में और शास्त्रों में बहुत विस्तार से दिया हुआ है, और वो अमान्य है, उसमें सिद्धि नहीं प्राप्त होती है और कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। सारे 7 जन्मों तक आप वो मंत्रों को जपते रहें बिना दीक्षा लिए, तो दीक्षा विनाय दीक्षा है, तो उसमें क्या है कि बिना दीक्षा के आपको किसी भी मंत्र का जाप नहीं करना है। फिर मंत्र के जो 10 संस्कार हैं, वे 10 संस्कार भी किए जाने आवश्यक हैं। उन 10 संस्कारों को किए बगैर भी किसी मंत्र का जाप नहीं किया जाता। तो आपने जो भी गुरु बना रखा होगा, जिससे गुरु दीक्षा ली होगी, आप उससे वो 10 संस्कार मंत्र के करवा करके तब किसी मंत्र को जाप करके सिद्ध कर लें। और जिस भी देवी देवता के मंत्र को आपने सिद्ध किया है, चाहे वो बीज मंत्र हो और चाहे संपुट मंत्र हो, पूर्ण मंत्र हो, तो उतने ही का हिस्से का आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम जो दे रहे हैं वे प्रयोग संबंधी साधनाएं हैं, प्रयोग संबंधी सिद्धियां हैं। यानी कि जिस देवी देवता की साधना करके सिद्धि प्राप्त कर ली है आपने अपने गुरु के सानिध्य में, तो उनके प्रयोग विभिन्न प्रकार के उनसे संबंधित है। तो पहले जो लोग के पास में दीक्षा ही रहे, या और जो शिव जी के मंत्र का पंचाक्षरी का उच्चारण नहीं करते हैं, महामृत्युंजय का जाप नहीं करते हैं, दैवी भक्त नहीं है, शाक्त नहीं है और शैव नहीं है, उन लोगों को इन साधनाओं को करने का अधिकार नहीं है, उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं है। तो चूंकि हमें व्हाट्सएप के जरिए तथा अन्य जरिए बहुत से मैसेज आए जिसमें मांग की गई है कि कुछ शत्रुनाशक साधना संबंधी विवरण दिया जाए, तो कुछ लोग जो है होलाष्टक में उसका उपयोग करना चाहते हैं। तो शत्रुनाशक साधनाओं को हम यहाँ पे आज दे रहे हैं, और समय बचा तो फिर दूसरी फिल्म में अन्य प्रकार की साधनाओं को भी देंगे। लेकिन यहाँ शत्रु और विरोधी को नाश करने, स्तंभन करने और उसे खंभे की तरह स्थिर कर देने और उसका मारण कर देने तक के प्रयोगों को हम यहाँ लक्षित करके इस फिल्म को प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन जो साधक हैं और जिन्होंने मंत्र सिद्धि कर प्राप्त कर ली है, पहले से ही जिनको मंत्र सिद्ध हो चुके हैं और वो जो बाकायदा दीक्षा लेकर के जो साधनाएं करते हैं, चाहे वो दक्षिण मार्गी पद्धति से कर रहे हों या वाम मार्गी पद्धति से कर रहे हों, अगर वाम मार्गी पद्धति से कर रहे हैं तो साथ में उनके भैरवी, उपयुक्त जो भैरवी के लक्षण दिए हुए हैं
उनके अनुसार उनके साथ होना चाहिए, एक योगिनी होना चाहिए, ये दो लोग उनके साथ होना आवश्यक है। और जो दक्षिण मार्गी पद्धति से कर रहे हैं उनको अपनी पत्नी तक का त्याग करना पड़ेगा साधना काल में। तो दक्षिण काल में आप अपनी पत्नी तक का सेवन नहीं कर सकते। तो इसके साथ ही हम यहाँ ये फिल्म प्रस्तुत कर रहे हैं और ये होलाष्टक में इन साधनाओं का आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये फिल्म शत्रुनाशक कुछ उपयोग प्रयोगों पर आधारित है। इसके बाद समय मिला तो हम और दूसरे प्रकार के प्रयोगों पर भी देंगे, क्योंकि मांग आई है और बहुत ज़्यादा मांग आई है, इसलिए शत्रुनाशक प्रयोगों का यहाँ पर सावधानी ये रखें कि अगर आपने गुरु के सानिध्य में मंत्र को सिद्ध कर लिया है, साधना कर ली है और सिद्ध हो चुके हैं मंत्र आपको, तो ही उसी संबंधित उसका महाविद्या का उपयोग करें, क्योंकि यहाँ महाविद्याओं के भी दे रहे हैं और उच्च स्तरीय उच्च कोटि की साधनाओं का यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। ये निम्न स्तरीय नहीं है, जादूगर मदारियों और वो जो टोचे तांत्रिकों वाली, तो वो इनसे सावधान रहे, वो इन्हें भूल कर भी इनका इस्तेमाल न करें, वरना हानि की जगह पर जो भी लाभ की जगह उनको जो नुकसान होगा या मारण हो जाएगा या किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार से कोई भी नुकसान होता है, तो उसके लिए हम हमारा चैनल हमारी कंपनी और हम स्वयं उच्चारणकर्ता नरेंद्र सिंह तोमर आनंद महाभारत के परमवीर योद्धा पराक्रमी योद्धा अर्जुन के वंशज और महाभारत के अंतिम सम्राट दिल्लीपत महाराजा नंगपाल सिंह तोमर की 23वीं पीढ़ी अपने स्वर्व उच्चारण में इस फिल्म को जो प्रस्तुत कर रहे हैं, कोई भी इसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा। आप अपने हानि लाभ या जो भी आपको होता है उसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे और आपके गुरु जिम्मेवार होंगे। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। और विशेष बात ये कि होलाष्टक में और या चैत्र नवरात्रि में या अश्विनी नवरात्रि में क्वार की जो नवरात्रि पड़ती है उनमें या और भी जो विशिष्ट योग जो 3.5 मुहूर्त हैं उनमें ये साधनाएँ हैं, इनके अलावा और हैं उनका उपयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पर जो प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें केवल उसी का उपयोग करें जिसका मंत्र सिद्ध आप कर चुके हैं, आपको सिद्धि प्राप्त है, अन्यथा उपयोग न करें। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। अभी हम यहाँ बगलामुखी कीलक स्तोत्र का उच्चारण कर रहे हैं। ये बगलामुखी कीलक स्तोत्र है बगलामुखी साधना में अत्यंत अनिवार्य। ह्रीं ह्रीं ह्रींकारवाणी रिपुल दलने घोर गंभीर नादे ह्रीं ह्रीं ह्रींकारवाणी रिपुदल दलने घोर गंभीर नादे ह्रीं ह्रीं ह्रींकार रूपे मुनिगण नमिते सिद्धिदे शुभ्र देहे ब्रां ब्रां ब्रांकार नादे निखिल रिपुर्ग तात्रोट्टने लग्न चित्ते मातर मात नमस्ते सकल भय हरे नौमी पीतांबरे त्वाम क्रौं क्रौं क्रौमीश रूपे आरिकुल हनने देह कीले कपाले स्त्रौं स्त्रौं स्वरूपे समरस निरते दिव्य रूपे स्वरूपे ज्रौं 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 जातरूपे जय जय दुरितम जंबरूपे प्रभावे कालिकं कालरूपे अरिजंदलने देशे दिं परामे स्राम हिस्त्रीं च हिस्रैं त्रुवन विदिते चंडमार्तंड चंडे ऐं क्लीं सौं कौलविध्ये सतत शंपरे नौमि पीत स्वरूपे द्रौं द्रौं द्रौं
दुष्ट चित्ता अयादलन परिणत बाहु युग्मत्वदीये ब्रह्मास्त्रे ब्रह्मरूपे रिपुदलहनने ख्यात दिव्य प्रभावे ठम ठम ठंकार वेशे ज्वलन प्रतिकृति ज्वालामाला स्वरूपे धाम 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 धारयंतीं रिपुकुलरसनां मुद्गरं वज्रपाशं मातर मातर नमस्ते प्रवल खलजनं पीड़यंतीं भजामि डाम 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 डाकिन्या द्यैर्डिमक डिमं डिम डिमं डमरूकं वादयंतीं मातर मातर नमस्ते प्रवल खलजनं पीड़यंतीं भजामि डाम 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 डाकिन्या द्यैर्डिमक डिम डिमं डमरूकं वादयंतीं वाणीं व्याख्यान्य दात्रीं रिपुमुख खनने वेद शास्त्रार्थपूतां माते श्री बगले परात्परतरे वादे विवादे जयं देहि त्वं शरणतो अस्मि विमले देवी प्रचंडो धत्रते मांगल्यं वसुधासुदेहि सततं सर्वस्वरूपे शिवे निखिल मुनिशेव्यं स्तंभनं सर्वशत्रुः शंपरमिहं नित्यं ज्ञानिनां हार्द्ररूपं अरहर निशायां यः पठेत् देवकीलकं स भवति परमेशो यादिनामाग्रगण्य निखिल मुनिशेव्यं स्तंभनं सर्वशत्रुः शंपरमिहं नित्यं ज्ञानिनां हार्द्ररूपं अरहर निशायां च पठेत् देवकीलं स भवति परमेशो वादिनामाग्रगण्यः ॐ इलिं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभजिभ्यां कीलय बुद्धिं विनाशैलीं ॐ स्वाहा। अब यहाँ पर हम बगला माला मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। ओम नमो भगवति ओम नमो वीर प्रताप विजय भगवति बगलामुखि मम सर्वनिंदकानां सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय स्तंभय ब्राह्मीं मुद्रय बुद्धिं विनाशय विनाशय अपर बुद्धिं कुरु कुरु आत्मविरोधिनां शत्रुणां शिरोल्लाट मुखनेत्र कण्णासिकोरु पद अणुरेणु दंतोष्ट जिव्या ताल गुय गुद कटिजानु सर्वांगेषु केशादि पाद पर्यंतं पादादि केश पर्यंतं स्तंभय स्तंभय खें खीं मारय मारय परमंत्र पर्यंत्र परतंत्राणि छेदय छेदय आत्मंत्र यंत्र तंत्राणि रक्ष रक्ष ग्रहं निवारय निवारय व्याधिं विनाशय विनाशय दुखं हर हर दारिद्र्यं निवारय निवारय सर्वमंत्र स्वरूपिणि सर्वतंत्र स्वरूपिणि सर्वशिल्प प्रयोग स्वरूपिणि सर्वतत्र स्वरूपिणि दुष्ट ग्रह भूत ग्रह आकाश ग्रह पाषाण ग्रह सर्वचंडाल ग्रह यक्ष किन्नर किम पुरुष ग्रह भूत प्रेत पिशाचानां शाकिनी डाकिनी ग्रहाणां पूर्व दिशां बंधय बंधय वार्तालिमां रक्षक्ष दक्षिण दिशां बंधय बंधय किरात वार्तालिमां रक्षक्ष पश्चिम दिशां बंधय बंधय स्वप्न वार्तालिमां रक्षक्ष उत्तर दिशां बंधय बंधय कालिमां रक्षक्ष ऊर्ध दिशं बंधय बंधय उग्र काल माम रक्षक्ष पाताल दिशं बंधय बंधय बगला परमेश्वरी माम रक्षक्ष सकल रोगान विनाशय विनाशय सर्व शत्रु पलायनाय पंच योजन मध्य राज जन स्त्री वशताम कुरु कुरु शत्रुं दह दह पच पच स्तंभय स्तंभय मोहय मोहय आकर्षय आकर्षय मम शत्रुन उच्चाटय उच्चाटय हुम फट स्वाहा। ये माला मंत्र है बगलामुखी देवी जी का। ये जो यहाँ मैंने नरेंद्र सिंह तोमर आनंद अपने स्वर में उच्चारण किया है,
ओम इलिम बगुलाम की सर दुष्टा नाम वाचे मुखम पदम स्तंभ जिभ्याम कीले बुद्धि विनाशे हिलीम ओम स्वाहा। चामुंडा तंत्र के अनुसार जो महाविद्या तत्व है उसका जो निर्णय है और जो श्लोक है यहां हम उसका उच्चारण कर रहे हैं। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्धि विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतादश महाविद्या सिद्धि विद्या प्रकीर्तिता। ये महाविद्याओं के जो 10 चामुंडा तंत्र में वर्णन है वो चरण हमने यहाँ प्रस्तुत किया और अब इसके उपरांत में हम आपको बगलामुखी मंत्र का भेद बताने से पूर्व ये बता दें कि जो है शाक्त प्रमोद में जो बगलामुखी मंत्र है उसमें बीज मंत्र के रूप में हिलिम शब्द का प्रयोग हुआ है, हिलिम अक्षर का उच्चारण किया जाता है, हिलिम हिलिम हिलिम। और जो मंत्र महोदधि है उसके अनुसार बगलामुखी के पूजन में ह्रीम बीज मंत्र का उच्चारण किया जाता है। तो बगलामुखी के 2 मंत्र प्रयुक्त किए जाते हैं और यहाँ पर जो भेद हो जाता है आचार्य भेद से भी भेद हो जाता है और वरना ये ग्रंथ भेद से भी भेद हो जाता है। तो शाक्त प्रमोद में हिलिम बीज मंत्र का उच्चारण हुआ है और वहीं पर मंत्र महोदधि में हिरिम बीज का मंत्र उच्चारण हुआ है। हम आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि बगलामुखी के मंत्रोच्चारण में हिरिम बीज मंत्र के साथ में उच्चारण करने वाले भी मंत्र उतने ही शुद्ध और उत्तम व श्रेष्ठ हैं जितने कि हिलिम बीज के साथ में उच्चारण किए जाने वाले मंत्र। तो दोनों ही के साथ में अगर आप हिरिम के साथ में बगलामुखी मंत्र का उच्चारण करते हैं, बीज मंत्र हिरिम लेकर के करते हैं तो भी सही है और हिलिम बीज के साथ में बगलामुखी मंत्र का उच्चारण करते हैं और सिद्धि प्राप्त करते हैं साधना तो भी सही है। फर्क ये है और फर्क भी हम आपको यहाँ पर बता दें कि हिरिम जो बीज मंत्र है वो महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। तो जब महालक्ष्मी से संबंधित हमको बगलामुखी साधना करना हो, दारिद्र्य निवारण करना हो, कर्ज निवारण करना हो, शत्रुओं से मुक्ति पानी हो, रोग से मुक्ति पानी हो, तब भी हम हिरिम बीज का महालक्ष्मी के बीज का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं मंत्र महोदधि के अनुसार। और शाक्त प्रमोद के अनुसार हिलिम जो है स्तंभन बीज है, ये स्तंभन बीज मंत्र कहा जाता है। जब हमें रोकना हो, शत्रुओं को रोकना हो, विरोधियों को रोकना हो, मुकदमों को रोकना हो या किसी अन्य प्रतिद्वंदी को रोकना हो या किसी भी जो विरोधी होते हैं बुरा चाहने वाले होते हैं उनको रोकना, तो स्तंभन बीज का बीज मंत्र का उच्चारण। तो आप स्तंभन बीज मंत्र से भी बगलामुखी साधना और सिद्धि को पूर्ण करते हैं और महालक्ष्मी के बीज मंत्र से, दोनों ही सही हैं। अतः मंत्र महोदधि और शाक्त प्रमोद दोनों के अनुसार जो मंत्रोच्चारण किया जाता है दोनों ही सही हैं। तो ये पहले निदान आवश्यक था क्योंकि कई बार ये प्रश्न उत्पन्न हो जाता है तो बगलामुखी के उसमें किस बीज मंत्र का उच्चारण किया जाए, इस संबंध में लोग जो है भ्रमित हो जाते हैं। और जो उच्च कोटि के, अत्यंत उच्च कोटि के, परम कोटि के जो साधक होते हैं उन्हें वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग दोनों विधाओं पर पूर्ण नियंत्रण जिनका रहता है, जो कि दक्षिण मार्ग के भी प्रवीण साधक होते हैं, सिद्धि प्राप्त होते हैं और वाम मार्ग के द्वारा भी उनको परम साधना और सिद्धि प्राप्त होती हैं। और जो लोग जैसे वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग को मिला करके सर्वोच्च कोटि के साधक जो होते हैं, सर्वोच्च कोटि परम कोटि होती है उनकी, तो उनके लिए तो खैर कुछ भी दुर्लभ नहीं है, असंभव नहीं है और वो एक है। तो यहाँ पर उनके लिए तो वो हिरिम से भी उतना ही जाप कर लेते हैं और हिलिम बीज मंत्र के साथ में भी उतना ही जाप कर लेते हैं। तो वो दोनों पद्धतियों में दक्षिण मार्गी में भी हिरिम और हिलिम का प्रयोग कर लेते हैं कभी भी मंत्र में और कभी भी
वाम मार्ग की साधना में भी हिरिम और हिलीम का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो वो जब वाम मार्गी में होते हैं तो वो भैरवी को भी इतना सिद्धि और साधना प्राप्त होती है, वो भी उतनी ही प्रवीण होती है कि उसे हिरिम और हिलीम दोनों बीज मंत्रों की साधनाएं पूर्ण होती हैं और वो सिद्ध सिद्धि सिद्ध प्राप्त करके बहुत सिद्ध परम कोटि की उच्च कोटि के वो साधक और वो होते हैं और उनको परम परम कोटि यानी बहुत उच्च कोटि है, श्रेष्ठ सर्वोच्च कोटि है, श्रेष्ठ कोटि है जो दक्षिण मार्ग वाम मार्ग दोनों में प्रवीण है। वाम मार्ग में भैरवी को उतनी जितना कि भैरव को प्राप्त होती है, तो दोनों को बराबर की साधना और बराबर की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और जो दोनों पद्धतियों से करता है वो तो महाशिव होता है, सांब शिव होता है, सदाशिव होता है, वो बहुत उच्च कोटि का वो होता है। तो उनका तो दर्शन मात्र ही और या स्पर्श मात्र ही, चरण स्पर्श तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन उतना मात्र ही कर पाना आपके लिए वरदान प्रदायक होता है और आपके लिए सारे असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। उनके आशीर्वाद मात्र से, उनके दर्शन मात्र से, उनके स्पर्श मात्र से अब आगे बढ़ते हैं। बकारे वारुणी प्रोक्ता का गकारे सिद्धिदा स्मृता, लकारे पृथ्वी चैव चैतन्य या प्रकीर्ता, जगन माता जगत धात्री जगत माता जगता मुपकारिणी। अब इसमें भैरव का निर्णय है तो भैरव के संबंध में इसमें बगलामुखी के उसमें जो है उसका हम वर्णन कर रहे हैं। बगलाया दक्ष भागे एक वक्त्रम प्रपूजयेत, महारुद्रेत विख्यातम जगत संगार कारकम, ओम नमो भगवते महारुद्राय हुम फट स्वाहा। ये भैरव का मंत्र है। ओम ओम गम ग्लौम हरिद्रा गणपतये वर वरद सर्वजन हृदयम स्तंभ स्तंभ स्वाहा। ये लक्ष्मी गणेश जी का, केचित लक्ष्मी गणेश ब्रुवते ओम श्रीं गं सौम्याय महा गणपतये वर वरद सर्वजनम वे वशमानय स्वाहा। ओम ह्रीं बटुकाया पद्धुद्धारणाय गुरु गुरु बटुकाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम मैं विडाल मुखी स्वाहा। तो ये यहाँ पर भैरव का, गणेश का और यक्षिणी का और ये तीनों का निर्णय यहाँ पर हुआ इसके द्वारा, मैंने बताया आपको। अब वीर रात्रि का हम निर्णय का श्लोक दे रहे हैं। इसमें जो वीर रात्रि का जो निर्णय किया जाता है, चतुर्दश भौमयुता मकारेण समन्विता कुलक्रक्ष समायुक्ता वीर रात्रि प्रकीर्तिता। ये वीर रात्रि का निर्णय था, ये हमने आपको यहां पर बताया। ओम नमः शिवाय। अब हम यहाँ श्री बगला तंत्र में जो ब्रह्मास्त्र माला मंत्र है, यहाँ ब्रह्मास्त्र माला मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। आप अपने इसका जितना भी यहाँ पर उच्चारण जा रहा है वो अपने गुरु से सारे प्रावधान विधि विधान और नियम सहित पूरा वो पहले प्राप्त कर लें, मंत्र की सिद्धि पहले संपन्न कर लें और उसके उपरांत ही इन प्रयोगों को जो बताए जा रहे हैं उनको करें और अपने गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करें। तो यहाँ पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र माला मंत्र श्री बगला जी का, बगला मुखी देवी जी का। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। करारविन्देन परामृशन्तं पद्माक्षमालां शिवरूपिणन्तं
पीतांबरा ध्यान निमग्न चित्तम श्री स्वामिनम राष्ट्र गुरुम स्मरामि। ओम अत श्री ब्रह्मास्त्र माला मंत्र। इस मंत्र का पहले उत्कीलन अवश्य करवा लें और इसके दस संस्कार करवा लें, उसके उपरांत ही इस ब्रह्मास्त्र माला मंत्र का साधना और सिद्धि प्राप्त करें। ओम अथ श्री ब्रह्मास्त्र माला मंत्र। ओम नमो भगवते चामुंडे नरकंक गर्द्रोलूक परिवार सहिते शमशान प्रिये नर रुदिर मांसचर भोजन प्रिये सिद्ध विद्याधर वृंद वंदित चरणे ब्रह्मेश विष्णु वरुण कुबेर भैरवी भैरव प्रिय इंद्र क्रोध विनिर्गत शरीरे द्वादश्यादित्य चंड प्रभे अस्थि मुंड कपाल माला भरणी शीघ्रम दक्षिण दिशा अक्षय आगच्छि मानय मानय नुद नुद सर्वशत्रुं सर्विरोधि मारय मारय चूर्णय चूर्णय आवेशय आवेशय त्रुट त्रुट त्रोटय त्रोटय स्फुट स्फुट स्फोटय स्फोटय महाभूतान् ज्रम्भय ज्रम्भय ब्रह्म राक्षसुनाच्चाटयोच्चाटय भूत प्रेत पिशाचान मूर्छय मूर्छय मम सर्वशत्रूनुच्चाटयोच्चाटय शत्रून् चूर्णय चूर्णय सत्यम कथय कथय वृक्षेभ्य सन्नाशय सन्नाशय अर्कम स्तंभय स्तंभय गरुड पक्षी पातेन विषम निर्विषम कुरु कुरु लीलांगालय गालय वृक्षेभ्य परिपातय परिपातय शैलकानन महीम मर्दय मर्दय मुखम उत्पाटय उत्पाटय पात्रम पूरय पूरय भूत भविष्यम यत् सर्वं कथय कथय क्रंत क्रंत दह दह पच पच मथ मथ प्रमथ प्रमथ घर 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 ग्रासय ग्रासय विद्रावय विद्रावय उच्चाटय उच्चाटय विष्णुचक्रेण वरुणपाशेन इंद्रवज्रेण ज्वरम नाशय नाशय प्रविदम स्फोटय स्फोटय मम सर्वशत्रून मम सर्वविरोधीन वशं कुरु कुरु पातालं प्रत्यंतरिक्षम आकाशग्रहं आनय आनय कराल विकराल महाकाली रुद्रशक्ति पूर्वदिशं निरोधय निरोधय पश्चिम दिशं स्तंभय स्तंभय दक्षिण दिशं निधय निधय उत्तर दिशं बंधय बंधय राम रीम ओम बंदय बंदय ज्वाला मालिनी स्तंभन मोहिनी मुकुट विचित्र कुंडन नागादि वासुकी कृतार भूषणे मेखला चंद्रारकाश प्रबंजने विद्युति स्फुरति सकाश साट्टहासे निलय निलय हुम फट विजृंभित शरीरे सप्तद्वीपे ब्रह्मांड विस्तारित स्तन युगले अस मूसल परशु तोमर शुरीपाशालीषु वीरान् शमय शमय सहस्रबाहु परा परारि शक्ति विष्णु शरीरे शंकर हृदयेश्वरी बगलामुखि सर्वदुष्टानय विनाशय विनाशय हुम फट स्वाहा। ओम इलिम बगलामुखि ये केचन आकारिण सन्ति तेषां वाचं मुखम स्तंभ स्तंभ दिव्यां कीलय कीलय बुद्धिं विनाशय विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम रीम रीम हिली हिली सर्वशत्रुस्य सर्वविरोधिस्य वाचम मुखम पदम स्तंभय शत्रुम जिभ्याम कीलय शत्रुनाम दृष्टि मुष्टि गति मति दंत तालु जिभ्याम बंधय बंधय मारय मारय शोषय शोषय हुम फट स्वाहा। इसका एक बार हम पुनः उच्चारण कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र माला मंत्र का। ओम अत ब्रह्मास्त्र माला मंत्र। ओम नमो भगवते चामुंडे नरकंक गर्द्रोलूक परिवार सहिते शमशान प्रिये नर रुधिर मांस चरु भोजन प्रिये सिद्ध विद्याधर वृंद वंदित चरणे ब्रह्मेश विष्णु वरेण कुबेर भैरवी भैरव प्रिये इंद्र क्रोध विनिर्गत शरीरे द्वादशादत्ति चंड प्रभे अस्थि मुंड कपाल माला भरणे शीघ्रम दक्षिण दिशा आगच्छि आगच्छि मानय मानय नुद नुद सर्वशत्रुं सर्वविरोधि मारय मारय चूर्णय चूर्णय आवेशय आवेशय त्रुट त्रुट त्रोटय त्रोटय स्फुट स्फुट स्फोटय स्फोटय महाभूतान् ज्रम्भय ज्रम्भय ब्रह्म राक्षसानुच्चाटयोच्चाटय भूत प्रेत पिशाचान मूर्छय मूर्छय
मम सर्वशत्रून सर्वविरोधीन उच्चाटयोच्चाटय सर्वशत्रून सर्वविरोधीन चूर्णय चूर्णय सत्यम कथय कथय वृक्षेभ्य सन्नाशय सन्नाशय अर्कम स्तंभय स्तंभय गरुड़ पक्ष पातेन विषम निर्विषम कुरु कुरु लीलांगालाय वृक्षेभ्य परिपातय परिपातय शैलकानन मही मर्दय मर्दय मुखम उत्पाटय उत्पाटय पात्रम पूरय पूरय भूतम भविष्यम यत्सर्वम कथय कथय क्रंत क्रंत दह दह पच पच मथ मथ प्रमथ प्रमथ घर 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 ग्रासय ग्रासय विद्रावय विद्रावय उच्चाटय उच्चाटय विष्णु चक्रेण वरुण पाशेण इंद्र वज्रेण ज्वरम नाशय नाशय प्रविदम स्फोटय स्फोटय सर्वशत्रून मम वशम कुरु कुरु पातालम प्रत्यंतरिक्षम आकाशग्रह आनय आनय कराल विकराल महाकाल रुद्रशक्ते पूर्व दिशम निरोधय निरोधय पश्चिम दिशम स्तंभय स्तंभय दक्षिण दिशम निधय निधय उत्तर दिशम बंदय बंदय राम रीम ओम बंदय बंदय ज्वालामालिन स्तंभिन मोहिनी मुकुट विचित्र कुंडल नागादि वासुकी कृतार भूषणे मेखला चंद्रारकाश प्रभंजने विद्युत स्फुरित सकाश साट्टहासे निलय निलय होम फट विजृंभे शरीर सप्तद्वीप कृते ब्रह्मांड विस्तारित स्तन युगले असिमूचल परशुतो उमर क्षुरपाशालेषु वीरान शमय शमय सहस्रबाहु परापरादि शक्ति विष्णु शरीरे शंकर हृदयेश्वरी बगलामुखी सर्वदुष्टान विनाशय विनाशय ओम फट स्वाहा ओम ह्रीं बगलामुखी ये केचन कारिण सन्ति तेषां वाचं मुखम स्तंभय स्तंभय जिभ्यां कीलय कीलय बुद्धिं विनाशय बिला विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा ओम ह्रीं ह्रीं हिली हिली सर्वशत्रुस्य सर्वविरोधिस्य वाचं मुखम पदम स्तंभय स्तंभय शत्रुं जिभ्यां कीलय कीलय शत्रुणां दृष्टि मुष्टि गति मति दंत तालु कंठ जिव्याम बंधय बंधय मारय मारय शोषय शोषय हुम फट स्वाहा ओम इलिम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदम स्तंभय जिव्याम कीलय बुद्धिं विनाशय लीं ओम स्वाहा ओम। अब हम यहाँ बगला हृदय का पाठ कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। तो ये बगला हृदय है। श्रीदेवी उवाच इदानीं खलु मे देव बगला हृदयं प्रभो कथयसि महादेव यद्यं तव वल्लभा। महादेव उवाच साधु साधु महाप्राज्ञ सर्वतंत्रार्थ साधिके ब्रह्मास्त्र देवतायाश्च हृदयं वाच्मि तत्त्वतः प्रणवं पूर्वमूर्चाटे स्थिर मायायां ततो वदीत संबोधन पदेनैव बगलामुखी उद्धरेत तदग्रे सर्वदुष्टानां ततो वाचं पदं मुखं स्तंभयेति ततो जिव्यां कीलयेति पदं ततः बुद्धिं विनाशयेति स्थिर मायायां ततो अग्रतः वदेच्च पुनरोंकारं स्वाहेति च पदं ततः षट्त्रिंशदक्षक्षरी विद्या सद्या स्तंभन कारिणी अंगन्यासं ततः कुर्यात् स्थिरमायां हृदि न्यसेत। बगलामुखी तु शिरसि सर्वदुष्टानां शिखासु च वाचं मुखं पदं चैव कवचे विन्यसेत् ततः जिव्याम कीलय नेत्र युग में आस्ये बुद्धि आदिकम तथा गंभीराम च मदोन्मताम स्वर्ण कांति संप्रभाम चतुर्भुजाम त्रिनयनाम कमलासन संस्थिताम ऊर्ध्वकेश जटायुटाम कराल वदनाम मुजाम मुद्गरम दक्षिणे हस्ते पाशम वामेन धारिणीम रेपोर्जिव्याम त्रिशूलम च पीतगंधानुलेपनाम पीतांबरधराम सांद्र दृढ़पीन पयोधराम हेमकुंडलभूषाम च पीतचंद्रारशेखराम
पीतभूषण भूषाढ़्यां स्वर्ण सिंहासने स्थितां स्वानंदानुमयीं देवीं रिपुस्तंभनकारिणीं मदनस्य रतैश्चापि प्रीतिस्तंभनकारिणी महाविद्या महामाया महामेधा महाशिवा महामोहा महासूक्ष्मा साधक शिवरप्रदा राजसी सात्विकी सत्या तामसी तेजसी स्मृता तस्या स्मरण मात्रेण त्रैलोक्यम स्तंभये क्षणात् गणेशो बटुकश्चैव योगिन्य क्षेत्रपालका गुरुवश्व गुणा स्थित्रो वगला स्तंभनी तथा जरम्बिड़ी मोदिनी चांबा बालिका भूधरा तथा कलुषा करुणा धात्री कालकर्षिणी का परा ब्राह्मरी मंदगमना भगस्ता चैव भाषिका ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी रमा वाराही च तथेन्द्राणी चामुंडा भैरवाष्टकम सुभगा प्रथमा प्रोक्ता द्वितीया भगमालिनी भगवाहा तृतीया तु भगसिद्धाब्दि मध्यिका भगस्पातिनी पश्चात भगमालिनी षष्ठिका उड्डियान पीठ निलया जालंधर पीठ संस्थिता कामरूपे तथा संस्था देवी त्रितयमेव च सिद्धोगा मानवोगाश्च दिव्योगा गुरुव क्रमात् क्रोधिनी जरम्बिणी चैव देवाश्चो वै पार्श्वयो पूज्यरस्त्रिपुरनाथश्च योनिमध्ये अम्बिकायुतः स्तंभनी या महाविद्या सत्यम सत्यम वरानने एषा सा वैष्णवी माया विद्यां यत्नेन गोपयेत ब्रह्मास्त्र देवतायाश्च हृदयं परिकीर्तितम् ब्रह्मास्त्रम त्रिश लोकेशु दुष्प्राप्यं त्रिदशैरपि गोपनीयं प्रयत्नेन न देयं यस्य कस्यचित् गुरुभक्ताय दातव्यं वत्सरं दुखिताय वै मातृपितृरतो वयस्तु सर्वज्ञानपरायणः तस्मै देयमिदं देवि बगला हृदयं परम् सर्वार्थसाधकं दिव्यं पठनाद भोगमोक्षदम् ओम इति श्री शिव पार्वती संवादे बगला हृदयम् संपूर्णम्। ये श्री बगला मुखी का हृदय स्तोत्र था। अब मैं नरेंद्र सिंह तोमर आनंद यहाँ बगला शाबरी मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ। ये बगलामुखी देवी जी का शाबरी मंत्र है। ओम मलयाचल बगवला भगवती महाक्रूरी महाकराली राज मुखबंदनम ग्राम मुखबंदनम ग्राम पुरुष बंदनम काल मुखबंदनम चोर मुखबंदनम व्याघ्र मुखबंदनम सर्वदुष्ट ग्रह बंदनम सर्वजन बंदनम वशीकुरु हुम पट स्वाहा। ओम मलयाचल बगला भगवती महाक्रूरी महाकराली राजमुखबंदनम ग्राम मुखबंदनम ग्राम पुरुष बंदनम काल मुखबंदनम चौर मुखबंदनम व्याघ्र मुखबंदनम सर्वदुष्ट ग्रह बंदनम सर्वजन बंदनम वशीकुरु हुम फट स्वाहा। ओम मलयाचल बगला भगवती महाक्रूरी महाकराली राजमुखबंदनम ग्राम मुखबंदनम ग्राम पुरुष बंदनम काल मुखबंदनम चोर मुखबंदनम व्याघ्र मुखबंदनम सर्वदुष्ट ग्रह बंदनम सर्वजन बंदनम वशीकुरु हुम फट स्वाहा। ओम बगलामुखी पूजा में उपयोग में किए जाने वाली कुछ वस्तुओं विधानों का यहाँ परिचय और उपचार दे रहे हैं। तो सर्वप्रथम जो साधन वो है उसका हम यहाँ उच्चारण कर रहे हैं। साधनम संप्रवक्ष्यामि साधकानाम हिताय वै सर्वपीतोपचारेण पीतांबर धरो नरः जपमालां च देवीशी हरिद्रा ग्रंथ संभवाम पीतासन समारूढ़ पीत ध्यान परायण पीत पुष्पार्चनम नित्यमयुतम जपमाचरेत।
दशांशैश्च कृतो होम पीतद्रव्यै सुशोभने संज्ञामुच्चारयेत सांद्यम स्तंभनम च महाद्भुतम श्रृणु प्राज्ञे महागुह्यम प्रकटरीकृत साधनम एकांते निर्जने स्थाने शुचो देशे ग्रहे पुरे। तो ये साधन थे जिनका उपयोग किया जाता है, जिसमें जप माला आदि की जो विधान है और दशांश हवन की जो विधियां हैं उनका वर्णन था। अब हम इसमें कर्म विशेष के लिए जिस कुंडल का प्रयोग करते हैं कुंडों का, तो उन हवन कुंडों का यज्ञ कुंडों का वो उसका लक्षण बता रहे हैं बगलामुखी साधना में जो उपयोग किए जाते हैं। तो उन कुंडों के लक्षण क्या है हवन कुंड के। कुंडम सुलक्षणम कृत्वा मेखलात्रय शोभितम योनिवृत्तम त्रिमात्रय स्वातत्र होमम तु साधयेत वश्येतु चतुरस्त्रम च आकर्षणे त्रिकोणकम तथेवोच्चाटने प्रोक्तम षटकोणम मारणे स्मृतम। तो मुख्य बात यह है कि कुंड के जो आकार बदलते हैं उससे पूरे छह विधान परिवर्तित हो जाते हैं। तो हर छह विधानों में अलग अलग प्रकार के हवन कुंडों का प्रयोग किया जाता है, उसका विधान किया जाता है। अपने गुरु से इस बारे में ज़्यादा जाने। अब आसन भेद बताते हैं, जो आसन है उनके क्या क्या भेद हैं। वश्ये मेषासनम प्रोक्तम कर्षणे व्याघ्र चर्मणि शांतौ मृगासनम प्रोक्तम गौ चर्मि स्तंभने मतम उष्ट्रासनम तथेवोच्चाटे द्विद्वेषे तुरगासनम मारणे महिषी चर्म मोक्षे चैव गजाजिनम नाना विधान ते देव क्रमाद द्रव्यम समाचरेत। ये आसन भेद थे जो प्रयोग किए जाते हैं, यानी किस काम के लिए किस प्रकार का आसन प्रयोग किया जाएगा ये जानकारी थी। अब हम कर्म विशेष में जो यज्ञ सामग्री का प्रयोग किया जाता है, वैसे तो जो दशांग धूप है, दशांग के बाद में फिर इसमें 64 उपचार तक की धूप रहती है, वो अलग विधि है, अलग प्रावधान है, जो काली के उपचार में महाकाली के उपचार में या उनके विधानों में प्रयोग होती है। तो महाकाली का ही एक अकेला एक ऐसा वो है महाविद्या का, जो कि पहली महाविद्या है जिनमें 64 उपचारों का उपयोग किया जाता है। अन्य सभी जो है षोडश उपचार तक वो मान्य है और पूज्य है, केवल महाकाली का 64 उपचार वो आवश्यक होता है। तो हम यहाँ कर्म विशेष के अनुसार यज्ञ सामग्री का वर्णन कर रहे हैं, तो अब आप उसे सुने। ओम मधुलाज तिलाज्येन वश्य लाभानि साधयेत आकर्षणे तथा लोद्रम सतिलम मधुरान्वितम निम्बपत्रम च तैलाक्तम विद्वेषण कर्णम परम हरितालम हरिद्राम च लवणेन संयुताम स्तंभयच्चैव देवेशि प्रज्ञां चैव गतिं मतिं वाजिनाथस्य सारेण रुधिरेणैव होमयेत मारणे तु रिपोर्देवि शमशाग्नाग्नौ हुतेन्नेषि शूद्राणां काकपक्षाणां ग्रहधूमेन संयुताम लक्ष्यमेकं जपेन मंत्री ब्रह्मचारी दृढ़व्रतः पर्वताग्रे महारण्ये सिद्ध शैवालये ग्रहे संगमे च महानद्या साधक साधयेत स्वयं श्वेत ब्रह्म तरोर्मूले पादुकां च व्रंजयेत अलक्तकेन रागेण रंजिता नभ मुद्रया षट्त्रिंशदक्षरा विद्या लक्षकेन च मंत्रिता शतयोजन मात्रम तु मनश्चिंतित मागता रसम मन शिला तैलम माक्षिकेण समन्वितम इति मंत्रम लक्ष्यमेकम सर्वांगे लेपनम कृतम अदृश्य कारकम देवी लोके च महद अद्भुतम
एक वर्ण गविदुग्धम धारोष्णम च महाहरेत शर्करा मधु संयुक्तम त्रिशतम मंत्रितम प्रिय पीत्वा च हरते शीघ्रम विश्वम विषम स्थावर जंगमम दारिद्र मोचनम देवी लक्ष्यमेकम जपे नर दशान्ने दशांशेन कृतो होमो द्रव्यैरेभिर्घृत लुप्ते पीत्वा च हरते शीघ्रम विषम स्थावर जंगमम दारिद्र्य मोचनम देवी लक्ष्यमेकम जपे नर दशांशेन कृतो होमो द्रव्यैरेभिर्घृत लुप्ते लक्ष्मी युक्तो भवेद् देव दारिद्र्यम नाशे ध्रुवम अथान्यम संप्रवक्ष्यामि कामना मांत्रिको उपरि पत्रैर्वाप्यत्र पाषाणे संज्ञानं च कारयेत् आद्यन्ते स्त्रिमायांच हरिद्राताले कैर्लिखेत् गर्भस्तम्भन करी देवी चमत्कार करी परा भूर्ज पत्रे समालिख्य तालोन मंत्र सैर्निश षटकोण मध्य मालिक्य विद्याम वलयतो लिखेत मध्य संज्ञाम च देवेश पीत सूत्रेण वेष्टयेत चक्रम ब्राह्म्यत कुलालस्य विपरीतम च मृत्तिकाम तन्मध्ये विलिखेत बीजम त्रिविलीकारत प्रिये षष्टयंतम साध्य नामार्णम मुखम स्तंभ चोच्यते बाये वेष्टयम महाबीजम चतुसाधा साध्याख्य मालिकेत साध्यानामाक्षरम देवी अभिमंत्र्य च विद्या षष्टयंतम चोच्चरित साध्यम संबोधनम च देवतम मा सुप्तेति पदम पश्चाद्वदेदामृडीर्तांतरम पीतोपचारे संपूज्य मुख स्तंभेन मीरितम एतन्मंत्रम वरारोहे शमशानांगारके लिखेत भेकस्य बदने क्षिप्त्वा पीतवस्त्रेण वेष्टयेत भूमिष्ठ मंडलम कृत्वा पीतपुष्पे समर्चेत उच्चारयेत सर्वमंत्र पदमुच्चार्य चालय वामपादेन संपूर्णा कुलालस्य च मृत्तिकाम पूरकस्य च योगेन प्रयोगं प्रतिपद्यते अन्योन्यम लिखित्वेन कृत्वोन्नद्यम समन्ततः वाम दक्षिण संबंधात द्वौ द्वौ पादौ प्रकल्पयेत नाम साध्यस्य च शतम गतिम स्तंभेत च पूर्वत्पदमालिक्य पाषाणस्य च पट्टिके पूर्ववत सुमुखीकृत्य पीतसूत्रेण वेष्टयेत शय्यां पाताल संस्थां च खनेत खातं प्रयतन्त वामहस्तेन यसेत खातं पीतपुष्पेण पूजयेत मेधाश्चर्यजनकं गतिस्तम्भनमुत्तमं शमशाने अथ परिग्राह्यं शमशानांगरमाहरेत मायाबीजं तथालिख्य साध्य संज्ञां च मध्यत अपि मध्ये च ललना क्रीं स्त्री सा च त्रिवलयात्मिका वामहस्ते खनेत खातं कर्परं च अधोमुखं पूर्वेद वामपादेन स पुरुष स्ततोपरि स्तंभनम देवी स्तंभनम चैव देवी रिपुणां मुखबंधनम ताटंगक पत्रमादाय लिखेत साध्यम स्वनामतः आद्यन्ते विलिखेत बीजम त्रिविदो चाटकम लिखेत वामहस्ते पुटं कृत्वा करपीडित कंटकान सप्त संख्य कंटकान भित्वा चैकम पुटीकृतम प्रगत वेद्यम समुच्चार्य नाम साध्यम च साधक भाण्ड मध्ये क्षिपेत च सौवीरेण च पूजयेत गतिमति स्तंभकरम प्रयोगम प्रत्यावयम दिव्य स्तंभन करीम देवी नानागुण मुदीरितम त्वत्प्रीत्या कथयिष्यामि श्रुणु तत्प्रियमुत्तमम यत्र स्थाने भवे दिव्यम देवालये गृहे अपि वा तत्र स्थां विलिखेत
विद्यां साधकां साध्य नामत अटु अटरु शस्य पत्रेण परिमार्ज्य तथोपरि स्तंभयेद सप्त दिव्यानि कृत्वा दोष विशुद्धये उत्तरावारुणी मूलं सप्त विद्याभिमन्त्रितं महाकृत्यादि दोषस्य कृत दिव्यो विशुद्धये अथवा दीप मार्गे च रात्रौ कृत्वा तु मण्डलं भुर्जपत्रे समालेख्यं पूर्वोक्तं द्रव्यमेव च दीपं प्रज्वालयेद् यत्नान् कपिलाज्येन पूरितं तावद्दीपो दोषं दग्ध्वा तप्तदीप प्रशाम्यति समयाय साधिकाय पुत्रिकां कुशिकां घटं कन्याभियोरिगिनीनां तु यथाशक्ति समर्चयेत् एवं तु कथितं भद्रे कामना प्रत्ययावहम् इयं तु परमा विद्या के मन्यत् परिप्रक्षसि श्रीदेवी उवाच साधनं कथितं देव महा आश्चर्य प्रदायकम् अधुनाम श्रोतुमिच्छामि अर्चनाम विधिपूर्विकाम। तो अर्चना विधि का यहाँ पर वर्णन श्री भैरव वाच्य पूजनम श्रुणुदेव साधके सिद्धिदायकम् नित्ये नैमित्तिके काम्ये त्रिविधम पूजनम स्मृतम् भूप्रदेशे मनोरम्ये पुष्पामोद प्रपूरिते गोमये नाथ संलिप्य पुष्पकर शोभितम् गोमये नाथ संलिप्य पुष्पकर शोभितम् कामपेक्षावादिर्यत्र से आसनम च समाचरेत सौवर्ण राजतम ताम्रम पैत्तलम भूर्जपत्रकम कर्पूरा गुरु कस्तूरी श्रीखंडम कुंकुमेन च लेखे तत्र प्रयत्नेन लेखिन्याय हेमया ततः मध्ये योनिम च तद्बाह्ये षडस्क्रमतः परम तद्बाह्ये षोडश दलम चतुर्द्वारोपशोभितम् पूर्वद्वारे गणेशम च दक्षिणे बटुकम तथा पश्चिमे योगिनी पूज्या क्षेत्रपाले तथोत्तरे ईशान दिशु सीमान्ते रुद्रपीठम प्रपूजेत बगला पूर्वपत्रे च स्तंभिन्याध्यायस्ततः परम स्तंभनी मोहिनी वश्या अवनी कालिका तथा अधरा कंपिता धीरा कंपना कामदर्शिनी भ्रामिका मंदगमना भोगिन्या चैव भोगिका भोगा षोडश पत्रेषु गंध पुष्पाक्षतैर्यजेत षोडश स्वर संयुक्ता संप्रदाय कुलागमे लिखेन मध्येषु पीठेषु कल्पयेत क्षेत्र पद्मकम् ब्राह्मयाद्यैश्चैव पूर्वादो भैरवाष्टक संयुता स्थिर मायादिका सर्वा परपूज्या कुलोद्भवे आदिक्षांता षडश्रेषु सप्तधातुषु मातृका योनिमध्ये मूल विद्यां त्रिभिरंजलि भिर्यजेत पुष्पधूपादि नैवेद्यैर्गंधता मूलदीपकहे नीराज्य विधिना पश्चात जप संख्या निवेदियेत पवित्रारोपणम देवी वदनेषु यथाविधि बलित्रयम् ततो दद्यात् पूजनादि महोत्सवे एवं तु कथितं देवि गुरोराज्ञां च पालयेत संसिद्धिर्लौकिकी तस्य तथा निगमार्गतम् संसिद्धिर्लोककी तस्य तथा निगमामर्गत अपराजय विशाकै चासाचा भय प्रदाद भवेत। ये जो है षटकर्म दीपोक्त विधान थे श्री बगला जी के, बगला मुखी देवी जी के। और इसमें दूसरे जो मेरु तंत्र के अनुसार जो विधान है उनको आप अपने गुरु से जानें, उनका हम यहाँ उच्चारण नहीं कर रहे हैं। बाद में अपनी कई फिल्म में हम अलग से इसका उच्चारण करेंगे। ओ मिलिम बगुलामुखी परमेश्वरी हूँ फट स्वाहा। ओ यद गेहे निवसेत तंत्रम तत्र लक्ष्मी स्थिरायते राजद्वारे शमशाने च सभायां रणमध्यतम
निर्जने च जले घोरे श्वापदये परिवारिते महात्म्यं तस्य देवेशि चमत्कारी यते प्रिये इयं या परिमेष्ठिनो वागदेवी ब्रह्म संशिता ययैव सस्रजे घोरं तयैव शान्तिरस्तु नः। ॐ ॐ। अब हम नरेंद्र सिंह तोमर आनंद अपने स्वर में यहाँ पर पीताम्बरा बगलामुखी के उपनिषद का उच्चारण कर रहे हैं और हम आपको जैसा कि बता चुके हैं, अगर वाममार्गी साधक हैं तो यहाँ पर भैरव भैरवी को सर्वप्रथम साधना में जाने से पूर्व, बैठने से पूर्व प्रत्येक बार स्वरपान, अथर्ववेद के अनुसार जो स्वरपान होता है तो अथर्ववेद में वर्णित विधि के अनुसार स्वरपान उनको कर लेना चाहिए और स्वरपान करने के उपरांत ही आगे की क्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। और दक्षिण मार्गी साधना में चूंकि किसी का उपयोग नहीं किया जाता, पूर्णतः से ऊर्धरेता ब्रह्मचारी रह करके दक्षिण मार्गी साधना संपन्न की जाती है तो उसमें ये प्रावधान नहीं। लेकिन जो वाम मार्गी है, कौलाचार है, जो कौलपरायण है, कौलमार्गी हैं, उनके लिए ये आवश्यक है कि वे अथर्ववेद के नियम के अनुसार स्वरपान गंभीरता पूर्वक कर लें और स्वरपान जब गंभीरता पूर्वक हो जाए तभी किसी भी क्रिया को आगे बढ़ाएं। तंत्र प्रयोग, मंत्र साधना और किसी भी प्रकार की सिद्धि के लिए जो भी उनके विधान आए उसके अनुसार आगे बढ़ें। अतः सर्वप्रथम स्वरपान पूर्णतः, संपूर्णतः अवश्य कर लें, यह अनिवार्य। अब हम यहाँ पीताम्बरा बगलामुखी उपनिषद का उच्चारण कर रहे हैं। ओम अतहैनां ब्रह्मरंध्रे सुभगां ब्रह्मास्त्रस्वरूपिणीं आप्नोति ब्रह्मास्त्रं महाविद्यां शांभवीं सर्वस्तंभकरीं सिद्धां चतुर्भुजां दक्षाभ्यां कराभ्यां मुद्गरपाशौ वामाभ्यां जिव्यवावज्रे ददानां पीतवाससं पीतालंकारसंपनां दृढ़पीनोन्नतपयोधरयुग्माढ्यां तप्तकार्तस्वरकुण्डलद्वयविराजितमुखाम्भोजां ललाटपट्टोलसत्पीतचन्द्रार्धमनुबिभ्रतीं उद्यदिवाकरोद्यौतां स्वर्णसिंहासनमध्यकमलसंस्थितां संचिन्त्य सत्तदुपरि तदुपरि षट्त्रिकोण षटकोण वसु यत्र पत्रवृत्तांत त्रिकोण षटकोण वसुय पत्रवृत्तांत षोडशतल कमलोपरि भूबिंबत्रयम् अनुसंधाय तत्रादयोन्यन्नन्त्रे देवी माहुय ध्यायेत योनिं जगद्योनिं समायमुच्चार्य शिवान्ते भूमाग्रबिन्दुमिन्दुखण्डमग्निबीजं ततो वरुणांक गुणानमत्रियुतं स्थिरामुखीति संबोध्य सर्वदुष्टानामिदं चावाशिवाचमिति मुखमिति पदमिति स्तंभेति चोच्चार्य जिव्यां वैशारदीं कीलयेत बुद्धिं विनाशयेत प्रोच्चार्य भूमाया वेदाद्यं ततो यज्ञ भूगुहायां योजयेत समाय स्तंभेश्वर सर्वेश्वर सेनाय स्तंभं करोति किं बहुना विवस्वद धृतिं स्तंभकर्ता सर्ववात स्तंभकर्तेत किं दिव्याकर्षयति सर्वविद्येश्वर सर्वमंत्रेश्वरो भूत्वा पूजायावर्तनं त्रैलोक्य स्तंभिन्या कुर्यात अंगमाद्यं द्वारत्तु गणेशं बटुकं योगिनीं क्षेत्राधीशं च पूर्वादिकं वरिच्यं गुरुपंक्तिमीशा गुरुसुरामन्तः प्राच्यादो क्राम क्रमानुगता बगला स्तंभिनी जरम्भिणी मोहिनी वश्या अचला चला दुर्धरा अकल्मषा आधारा कल्पना कालकर्षिणी भ्रमरिका मंदगमना भोगिका भोगा योगिका
वैष्ट दलानुगा पूज्या ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही नारसिंगा चामुंडा महालक्ष्मी षडयो निर्भामता डाकिनी राकिनी लाकिनी काकिनी शाकिनी याकिनी वेदादि स्त्री मायाया समभ्यर्च शक्राग्नेयमर्मिर्ति वरुण वायु धन देशान प्रजापति नामेशा परिवाराभिमता स्थिरादि वेदाध्याम सवाहना सदस्त्रका वायताभ्यर्च ताम योनिम रतिम प्रीति मनोम वायेता सर्वा सता पीतांशुका धेया तदंत मूलायां दलादि षोडशान गुता पूज्या नीराजनै स ऐश्वर्य युक्तो भवति येनाम ध्यायेत स वाग्मी भगवद्भक्ति सो अमृतमश्नुते सर्वसिद्धिकर्ता भवति सृष्टि स्थिर संघार कर्ता भवति स सर्वेश्वरो भवति स तु ऋद्धीश्वरो भवति स शाक्त स वैष्णव स गणप स शैव स जीवन मुक्तो भवति स सन्यासी भवति न तु मुंडित मुंड षट त्रिदस्त्रेश्वरो भवेत् सौभाग्यार्चने नेति प्रोतम वेद ओम शिवम सेना भवतु इति मंत्रेण शांति 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 ओम शांति। यह पीताम्बरा उपनिषद था, बगला मुखी उपनिषद था। ओम ओम ह्रीं बगला मुखि सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभयेभ्यां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगला मुखि सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभयेभ्यां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। अब यहां हम बगला मुखी के शत्रुनाशक कवच का उच्चारण कर रहे हैं। तो शत्रु और विरोधी नाशक कवच है श्री बगलामुखी देवी का, पीताम्बरा जी का। हम यहाँ उसका उच्चारण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हम नरेंद्र सिंह तोमर आनंद, महाभारत के पराक्रमी योद्धा अर्जुन के वंशज और महाभारत के अंतिम सम्राट दिल्लीपत महाराजा नंगपाल सिंह तोमर की 23वीं पीढ़ी, अपने स्वर में माँ भगवती राजराजेश्वरी श्री बगलामुखी पीताम्बरा जी का यह शत्रुनाशक कवच का यहाँ पर उच्चारण प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभयेभ्यां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभयेभ्यां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। कैलासाचल मध्यगम पूर्वहम शांतम त्रिनेत्रम शिवम वामस्था गिरिजा प्रणम्य कवचम भूमि प्रदम प्रक्षति देवी श्री बगलामुखी रिपकुलाग्निरूपाचया तस्याश्चाप विमुक्त मंत्र सहितम प्रीत्या धुना ब्रूहि माम। श्री शंकर भैरव वाच। देव श्री बल भव बल्लभे शुणि महामंत्रम विभूत प्रदम देव्या वर्मयुतम समस्त सुखदम साम्राज्यदम मुक्तिदम तारम रुद्रवधु विरंचि महिला विष्णु प्रिया कामयुक कांते श्री बगलानने मम रूपून्नाशयम युग्मं त्वति ऐश्वर्याणि पदम च देयुगलम शीघ्रम मनोवांछितम कार्यम साधय युग्म युक्षिव बधु वन्य प्रियांतो मनु कंसारे स्तनयम च बीजम पराशक्तिश्च वाणी तथा कीलम श्रीमति भैरवर्ष सहितम छंदो विराट संयुतम श्रेष्ठार्थस्य परस्य वेति नितराम कार्यस्य संप्राप्तये नामना असाध्य महागदस्य नियतम नाशाय वीर्याप्तये ध्यात्वा श्री बगलाननाम मनोवरम जप्त्वा सहस्र्याखम ध्याया श्री बगलाननाम मनोवरम जप जपत्वा
सहस्राख्याकम दीर्घे षटक युतैश रुद्रमैला बीजैर्विन्यस्यांग के। अब ध्यान मंत्र है इसमें कवच में। सौवर्णा संसंस्थिताम त्रिनयनाम पीतांश कोलासिनी हेमा मांगरुचिम शशांकम कुटाम सच्चम पंक स्त्रग्युताम हस्तैर मुद्गर पाश वज्र रसना संविवृतिम भूषण हृव्याप्तांगी बगुलामुखी त्रिजगताम स्तम संस्तंभनी चिंतयेत। ओम मेरी बगुलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभजिभ्याम किल बुद्धिम विनाश हरीम ओम स्वाहा। ओम अस श्री बगुलामुखी मंत्र कवचस्य भैरव ऋषि विराट छंद विराट छंद श्री बगुलामुखी देवता क्लीं बीजम एम शक्ति श्रीं कीलकम मम परस्य च मनोभिल शिति इष्ट कार्य सिद्धये विनियोगः। ये विनियोग करें इसके साथ ही इस मंत्रोच्चारण के साथ। शिरसि भैरवे ऋषये नमः मुखे विराट छंदसे नमः हृदय बगुलामुखी देवताये नमः गुह्ये की क्लीं बीजाय नमः पादयो एम शक्तिये नमः सर्वांगे श्रीं कीलकाय नमः। ओम राम अंगुष्ठाभ्याम नमः ओम ह्रीं तजनीभ्याम नमः ओम ह्रूं मध्यमाभ्याम नमः ओम ह्रें अनामिकाभ्याम नमः ओम रौं कनिष्ठकाभ्याम नमः ओम रह करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः ओम ह्रां हृदयाय नमः ओम ह्रीं शिरसे स्वाहा ओम ह्रूं शिखायै वशट ओम रैम कवचाय हुम ओम रौम नेत्रत्रयाय वौषट ओम र अस्त्राय फट। ये न्यास के उपरांत अब मंत्रोद्वार। ओम रीम ऐं श्रीं क्लीं श्री बगलानने मम रिपून नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रं मनोवांछितं कार्यं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ओम ऐं ओम रीम ऐं श्रीं क्लीं श्री बगलानने मम रिपून नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रं मनोवांछितं कार्यं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। शिरो मे पात ओम रीम ऐं श्रीं क्लीं पात ललाटकं संबोधन पदं पात नेत्रे श्री बगलानने श्रुतौ मम रिपुं पात नासिकां नाशय द्वयम् पातु गंडौ सदा मामैश्वर्याण्यन्तं तु मस्तकं देहि द्वंद्वं सदा जिभ्यां पातु शीघ्रं वचो मम कंठदेशं मनः पातु वांछितं बाहुमूलकं कार्यं साधय द्वंद्वं तु करौ पातु सदा मम मायायुक्ता तथा स्वाहा हृदयं पातु सर्वदा। अष्टाधिक चत्वारिंशत् दंडाढ्या बगलामुखी रक्षां करोत सर्वत्र गृहे अरण्ये सदा मम ब्रह्मास्त्राख्यो मनु पात सर्वांगे सर्वसिंधुषु मंत्रराजे सदा रक्षां करोत मम सर्वदा। ओम ह्रीं पातु नाभिदेशं कटिबे बगलावतु मुखे वर्णद्वयं पातु लिंगं मे मुष्कयुग्मकम् जानुनी सर्वदुष्टानां पातु मे वर्णपंचकम् वाचम मुखम पदम पादम षड्वर्णा परमेश्वरी जंगायुग्मं सदा पातु बगलारिप मोहिनी स्तंभयेत पदम पृष्ठम पातु वर्णत्रयम् मम जिव्या वर्णद्वयम् पातु गुल्फो मे कीलयेत च पादोर्वम सर्वदा पातु बुद्धिम पादतले मम विनाशय पदम पातु पादांगुल्योर्नखानि मे हिरीं बीजं सर्वदा पातु बुद्धिन्द्रिय वचांसि मे सर्वांगं प्रणमः पातु स्वाहा रोमाणि मे अवतु। ब्राह्मे पूर्वदले पातु चाग्नेयां विष्णुवल्लभा माहेशी दक्षिणे पातु चामुंडा राक्षसे अवतु कौमारी पश्चिमे पातु नारसिंगी शिवे अवतु ऊर्ध्वं पातु महालक्ष्मी पाताले शारदा अवतु। इत्यष्टौ शक्तयः पान्तु साध्वी सवाहना राजद्वारे महादुर्गे पातु मां गणनायक शमशाने जलमध्ये च भैरवश्च सदावतु।
द्विजा रक्त वसना सर्वाभरण भूषिता योगिन्य सर्वदा पातु महारण्ये सदा मम। इति ते कथितं देव कवचं परमाद्भुतं श्री विश्वविजयं विश्वविजयं नामं कीर्ति श्री विजयप्रदं अपुत्रो लभते पुत्रं धीरं शूरं शतायुषं निर्धनो धनमाप्नोति कवचस्यास्य पाठतः जपित्वा मंत्ररायं तु ध्यात्वा श्री बगुलामुखीं पठेद्विदं हि कवचं निशायां नियमात् तुया यद यत काम्यते कर्म साध्या साध्य महीतले तत तत काम वाप्नोति सप्तरात्रेण शंकरी। गुरुं गुरुं ध्यात्वा सुरां पीत्वा रात्रौ शक्ति समन्विता कवचम यह पठेत देवी तस्या असाध्यम न किंचन। यम ध्यात्वा प्रजपेन मंत्रम सहस्त्रम कवचम पठेत त्रिरात्रेण वशम याति मृत्योत्तन्नात्र संशय। लिखित्वा हृदि तन्नाम तम ध्यात्वा प्रजपेन मनुम एकविंशद दिनम यावत् प्रत्यहम सच्च सहस्रकम जप्त्वा पठेत्तु कवचम चतुर्विंशति वारकम सैस्तम मम जायेते शत्रुर्नात्र कार्या विचारणा विवादे विजये तस्य संग्रामे जयमाप्नुयात् शमशाने च भयं नास्ति कवचस्य प्रभावत। नवनीतं चाविमंत्र स्त्रीणां दध्यान महेश्वरी बंध्यायां जायते पुत्रो विद्यावल समन्वित शमशानांगारमादाय व्योमे रात्रौ शनावथ। पादोदकेन स्पृष्टवाच लिखित लोहशलाकया भूमौ शत्रु स्वरूपं च हृदय नाम समालिखेत हस्तम तद्रद्दै तद्दत्त्वा कवचम तिथिवारकम ध्यात्वा जपेन मंत्ररायम नवरात्रम प्रयत्नत म्रियते ज्वरदाहीन दशमे अन्येन संशय। भुर्जपत्रेष्विदं स्तोत्रमष्टगंधेन संलिखेत दारेद दक्षिण बाहो नारी बाम्भुजे तथा संग्रामे जयमाप्नोति नारी पुत्रवती भवेत। ब्रह्मास्त्रादीन शस्त्राणि नैव कृतन्ति तं जनम संपूज्य कवचम नित्यं पूजाया फलम मालवेत। बृहस्पति समो वापि विभवे दनदोपम कामतुल्यस्य नारीणां शत्रुणां च यमोपम कवितालहरी तस्य भवेद गंगा प्रवाहत गद्य पद्यमयी वाणी भवेद देवी प्रसादत। एकादश शतम यावत् पुरुषचरणमुच्यते पुरुषचर्या विहीनम तु न चेदम फलदायकम न देयम परशिष्यभ्यो दुष्टेभ्यश्च विशेषता देयम शिष्याय भक्ताय पंचत्वं चान्यथाप्नुयात। इदं कवचं ज्ञात्वा भजेद यो बगलामुखीं शतकोटि जपित्वा तु तस्य सिद्धिर्न जायते। दाराढ्यो मनुजो अस्य लक्ष्य जपत प्राप्नोत सिद्धिं परां विद्यां श्री विजयं तथा सुनियतं धीरं च वीरं वरम। ब्रह्मास्त्राख्य मनुं विलिख्य नितरां भुर्जेष्ट गंधेन वये धृत्वा राजपुरं व्रजन्ति खलु ये दासो अस्ति तेषा नृपः। ओम रिम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभजिभ्यां किल बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम रिम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभजिभ्यां किल बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम रिम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभजिभ्यां किल बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। ये शत्रुनाशक बगलामुखी कवच था और विशेषकर से जो वाममार्गी साधक होते हैं उनके लिए वो तुरंत और वो तत्काल सिद्धि देने वाला है, जैसा कि इसमें स्वयं कवच में भी उच्चारण आया है। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। क्रीं 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 रीं रीं ॐ ॐ दत्
दक्षिणे काले के क्रीम 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 रीम रीम ओम ओम स्वाहा क्रीम 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 रीम रीम ओम ओम दक्षिणे काले के क्रीम 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 रीम रीम ओम ओम स्वाहा क्रीम 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 रीम रीम ओम ओम शमशान काले के क्रीम 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 रीम रीम ओम ओम स्वाहा। अब यहां हम काली कवच का उच्चारण करेंगे। मैं नरेंद्र सिंह तोमर आनंद मां काली के इस कवच का यहां उच्चारण कर रहा हूं। यह मां मां काली का कवच। ओम जय श्री मां मां काली। जय महाकाली। ओम जय श्री महाकाली। कैलाश शिखरारूढ़ शंकरं वरद शिवं प्रणम्य पार्वती देवी परिप्रच्छति सादरं। श्री पार्वती उवाच भगवन्देव देवेश देवानां भोगद प्रभो ब्रवूहि मे महादेव गोप्यं यद्यपि च प्रभो शत्रुणां येन नाश्या दात्मनो रक्षणं भवेत् परमैश्वर्यं अतुलं लभेत येन तद्वदा। श्री भैरव वाच। तो भैरव जी ने यहां पर जो कहा अब आप उसे सुनिए। वक्ष्यामि ते महादेवी सर्वधर्म विदांबरे अद्भुतम कवचम देव्या सर्व काम प्रसादनम विशेषतः शत्रु नाश करम रक्षा करम नरणाम। सर्वारिष्ट प्रशमन अभिचार विनाशकम सुखदम भोगदम चैव वशीकरणम उत्तममम शत्रु संग शयम यान्ति भवन्ति व्याधि पीड़िता दुखिनो ज्वरणि चैव स्वामीष्ट प्रतता इस्तथा। वक्ष्यामि ते महादेवी सर्वधर्म विदांबरे अद्भुतम कवचम देव्या सर्व काम प्रसादनम विशेषतः शत्रु नाशकरम रक्षाकरम नृणाम सर्वारिष्ट प्रशमन अभिचार विनाशकम सुखदम भोगदम चैव वशीकरणम उत्तममम शत्रु संग क्षयम यान्ति भवन्ति व्याधि पीड़िता दुखिनो ज्वरिणं चैव स्वामीष्ट प्रत्युता स्थिता। दुखिनो ज्वरिणं चैव स्वामीष्ट प्रत्युता इस्ततः। अस्य श्री श्री कालिका कवचस्य भैरव ऋषि गायत्री छंद श्री शमशान कालिका देवता शत्रु संगनाशे विनियोगः। अस्य श्री कालिका कवचस्य भैरव ऋषि गायत्री छंद श्री शमशान कालिका देवता शत्रु संगनाशे विनियोगः। अब ध्यान करते हैं मां महाकाली का ध्यान मंत्र है। ध्यायेत कालीं महामाया त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं ध्यायेत कालीं महामायां त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं
चतुर्भुजाम लोल जीव्याम पूर्ण चंद निभानानाम चतुर्भुजाम लोल जीव्याम पूर्ण चंद्र निभानानाम नीलोत्पल दल प्रख्याम शत्रु संग विदारिणी नरमुंड तथा खंगम अभयम वरदम तथा नरमुंडम तथा खंगम अभयम वरदम तथा विभ्राणाम रक्त नयानाम दंष्ट्राम निर्घोर रूपिणी अट्टाटहास निरताम सर्वदा च दिगंबराम अट्टाटहास निरताम सर्वदा च दिगंबराम शवासन स्थिताम देवी मुंडमाला विभूषिताम शवासन स्थिताम देवी मुंडमाला विभूषिताम। अभी स्तोत्र का उच्चारण कर रहा हूं, इसका बच्चे स्तोत्र का कालिका घोर रूपाढ़ सर्व काम प्रदा शुभा सर्वदेव स्तुता देव शत्रुनाशम करो तुम्हें हिम ह्रीम स्वरूपिणी चैव हिराम राम ह्रूम स्वरूपिणी तथा ह्रीम राम छाउं छाउं स्वरूपाम सा सदा शत्रु प्रशास्तु मे श्रीं ह्रीं ऐं रूपिणी देव भाव बंद विमोचिनी हस कल ह्रीं स्वरूपासो रिपुंसा हन्तु सर्वदा यथा शुंभो हतो दैत्यो निशुंभस्य महासुरा बैरिनाशाय वंदे ताम कालिकाम शंकर प्रियाम ब्राह्मी शैवी वैष्णवी च वाराही नारसिंगिका कौमारेन्द्री च चामुंडा पाद चैव मम द्विष सुरेश्वरी घोर रूपा चंडमुंड विनाशिनी मुंडमाला धृतांग घृतांगी च सर्वत पात माम सदा कालिका घोर रूपाढ़ सर्व काम प्रदा शुभा सर्वदेव स्तुता देव शत्रुनाशम करो तुम्हें ह्रीम ह्रीम स्वरूपिणी चैव राम राम ह्रूम स्वरूपिणी तथा ह्रीम राम छौं छौं स्वरूपा सा सदा शत्रु प्रशास्तु मे श्रीं ह्रीं ऐं रूपिणी देव भव बंध विमोचिनी हासा काला हिरीम स्वरूपा सो रिपुंसा हंत सर्वदा यथा शुंभो हतो दैत्यो निशुंभस्य महासुरा बैरिनाशाय वंदे ताम कालिकाम शंकर प्रियाम ब्राह्मी शैवी वैष्णवी च वाराही नारसिंगिका कौमारेन्द्री च चामुंडा पात च ममदिश्व सुरेश्वरी घोर रूपा चंडमुंड विनाशिनी मुंडमाला गर्तांगी च सर्वता पात माम सदा कालिके Home.
ह्रीं ह्रीं कालिके घोरदष्टे रुधिरप्रिये रुधिरपूर्णवक्त्रे रुधिरावृतस्थाने मम सर्वशत्रु मम सर्वविरोधी मम सर्वशत्रून मम सर्वविरोधीन खादय खादय हिंसय हिंसय मारे मारे बिंद बिंद छिंद छिंद उच्चाटय उच्चाटय द्रावय द्रावय शोषय शोषय स्वाहा। हेरीम हिरीम कालिके घोर दष्टे रुधिर प्रिय रुधिर पूर्ण वक्त्रे रुधिरावर्त स्थाने मम सर्व विरोधीन सर्व शत्रुन खादय खादय हिंसय हिंसय मारे मारे भिन्न भिन्न छिन्न छिन्न उच्चाटय उच्चाटय द्रावय द्रावय शोषय शोषय स्वाहा। वाम वीम कालिकाय मदीय शत्रुम समर्पयामि स्वाहा। ओम जय जय किर किर किट किट कट कट मर्दय मर्दय मुहय मुहय हर हर। मम सर्व विरोधीन सर्व शत्रुन ध्वंसय ध्वंसय भक्ष भक्ष त्रोटय त्रोटय मोहय मोहय ज्ञात धानन चामुंडे सर्वजनान राज्यो राजपुरुषान स्त्रियो मम वश्य गुरु कुरु तन तन धान्यम धन श्वान गजान रत्नान दिव्य कामिनी पुत्रान पौत्रान राजश्रियम देहि दे यच्छ यच्छ रक्षक्ष। ओम श्याम क्षीम शुम शैम शौम शह स्वाहा। हिरीम हिरीम कालिके घोर दष्टे रुधिर प्रिय रुधिर पूर्ण वक्त्रे रुधिरावृत स्थाने मम सर्व विरोधीन सर्व शत्रु खादय खादय हिंसा हिंसा मारय मारय भिन्द भिन्द छिन्द छिन्द उच्चाटय उच्चाटय द्राव द्राव शोषय शोषय स्वाहा। वाम वीम कालिकाय मदीय शत्रु समर्पयामि स्वाहा। ओम जय जय किर किर किट किट कट कट मर्दय मर्दय मुहय मुहय हर हर। मम सर्व विरोधीन सर्व शत्रुन ध्वंसय ध्वंसय भक्ष भक्ष त्रोटय त्रोटय मोहय मोहय यात धारण चामुंडे सर्वजनान राज्यो राजपुरुषान स्त्रियो मम वश्य कुरु कुरु तनु तनु धान्यम धन्नम अश्वान गजान रत्नान दिव्य कामिनी पुत्रान पौत्रान राजश्रियम देहि देहि यच्छ यच्छ रक्षक्ष। ओम श्याम क्षीम क्षुम शैम क्षौम क्षः स्वाहा। इत्येत कवचम दिव्यम कथितम शम्भुना पुरा ये पठन्ति सदा भक्त्या ध्रुवम नश्यन्ति शत्रुव बैरिणाम प्रलयम यान्ति व्याधितस्य भवन्ति हि धनहीना पुत्रहीना शत्रुव तस्य सर्वदा सहस्र पठनात् सिद्धि कवचस्य भवेत् तदा ततः कार्याणि सिद्ध्यन्ति यथा शंकर भाषितम् शमशानांगारमादाय चूर्ण कृत्वा प्रयत्नत पादोदकेन पिष्टवाच लिखे लोहशलाकया भूमौ शत्रुहीन रूपानुत्तराम शिरसाम स्थता हस्तम दत्त्वा घाये कवचंतु स्वयं पठेत शत्रौ प्राण प्रतिष्ठान्त कुर्यान मंत्रेण मंत्रवित हृदयास्त्र प्रहारेण शत्रु गच्छेत यम क्षयम् ज्वलितांगारतापेञ्ज्वरी भवति तादृश प्रोक्षणैर्वाम पादे दरिद्रो भवति ध्रुवम् बैरिनाशकरम् प्रोक्तम् कवचम् वश्यकारकम् परमेश्वर्यदम् च पुत्रपौत्रादिवृद्धिदम् प्रभात समये च पूजा काले विशेषत सायंकाले तथा पाठा सर्व सिद्ध भवे ध्रुवम शत्रुरुच्चाटनम यात देशांच विच्युतो भवेत पश्चात किंकृतामेत सत्यम सत्यम न संशय शत्रुनाश करे देव सर्व संपत् करे शुभम सर्व देव स्तुते देव कालिके त्वाम नताम्यम। इत्येत कवचम दिव्यम कथितम शम्भुना पुरा ये पठन्ति सदा भक्त्या ध्रुवम नश्यन्ति शत्रुव बैरिणा प्रलयम यान्ति व्याधितश्च भवन्ति हि धनहीना पुत्रहीना शत्रुव तस्य सर्वदा सहस्र पठनात् सिद्धि कवचस्य भवेत् तदा ततः कार्याणि सिद्ध्यन्ति यथा शंकर भाषितम्
शमशानांगारमादाय चूर्ण कृत्वा प्रयत्नत पादोदकेन पिष्टवाच लिखिल लोह शलाकया भूमौ शत्रुहीन रूपानुत्तराम शिरसांस्तथा हस्तम दत्त्वात् गाये कवचन्तु स्वयं पठेत शत्रु प्राण प्रतिष्ठान्त कुर्यान् मंत्रेण मंत्रवित हृदया हन्यादस्त्र प्रहाणेर शत्रुर्गच्छेत यमक्षयम् ज्वलितांगार्तापेंजुवरी भवति तादृश प्रोक्षणैर्वाम पादेन दरिद्रो भवति द्रवम् वैरिनाशकरम प्रोक्तम कवचम वश्य कारकम परमेश्वरदय परमेश्वर्यदम चैव पुत्र पौत्रादि वृद्धिदम प्रभात समय चै पूजा काले विशिष्ट सायंकाले तथा पाठा सर्वसिद्ध भवे ध्रुवम शत्रुरुच्चाटनम ज्ञात देशाच्च विच्युतो भवेत पश्चात किंकर्तामेद सत्यम सत्यम न संशय शत्रुनाश करे देव सर्व संपत् करे शुभे सर्वदेव स्तुते देव कालिके त्वाम नताम्य अहम् ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये मां महाकाली का कवच था। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अब आज हम यहां महाविद्या कवच और महाविद्या स्तोत्र का उच्चारण करेंगे। मैं नरेंद्र सिंह तोमर आनंद आपके समक्ष महाविद्या कवच और महाविद्या स्तोत्र का उच्चारण यहां कर रहा। जय महाकाली जय महाकाली। क्रीम 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 रीम रीम हुम हुम दक्षिणे कालिके क्रीम 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 रीम रीम हुम हुम स्वाहा। तो यहां हम सर्वप्रथम महाविद्या कवच का उच्चारण करेंगे। ये महाविद्या कवच है। श्रुणु देवि प्रवक्ष्यामि कवचम सर्वसिद्धिदम् आद्याया महाविद्यायाः सर्वाभीष्ट फलप्रदम् कवचस्य ऋषिर्देवि सदाशिव इतीरितः छन्दो अनुष्टुव देवता च महाविद्या प्रकीर्तिता धर्मार्थ काम मोक्षाणाम विनियोगश्च साधिनी अहंकार पात शीर्षे माम काम बीजम तथा हृदय रमा बीजम सदा पातु नावो गुह्ये च पादयु ललाटे सुंदरी पातु ग्रामाम कंठ देशत भगमाला सर्वगात्रे लिंगे चैतन्य रूपिणी पूर्वे माम पात वाराई ब्रह्माणी दक्षिणे तथा उत्तरे वैष्णवी पात चेन्द्राणी पश्चिमे अवतु माहेश्वरी चाग्नियाम नैरेत्रे कमला तथा वायव्याम पात कौमारी चामुंडा हीशके अवतु। इदं कवचं ज्ञात्वा महाविद्यांच योजपीत न फलं जायते तस्य कल्पकोटि शतैरपि। इस कवच का मैं नरेंद्र सिंह तोमर यहां पुनः उच्चारण कर रहा हूं। ये महाविद्या का कवच है, अत्यंत उपयोगी है और सर्वदा ही रक्षा के लिए सर्वोत्तम कवच। तो इस कवच का यहां पुनः उच्चारण
कर रहा हूं। श्रृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचम सर्व सिद्धिदम आद्याया महाविद्याया सर्वाभीष्ट फल प्रदम कवचस्य ऋषिर्देवी सदाशिवीतीरिता छंदो अनुष्टुभ देवता च महाविद्या प्रकीर्तिता धर्मार्थ काम मोक्षाणाम विनियोगश्च साधने एंकार पातु शीर्षे माम काम बीजम तथा हृदय रमा बीजम सदा पातु नाभो गुह्ये च पादयो ललाटे सुंदरी पातु ग्रामाम कंठदेशत भगवाला सर्वगात्रे लिंगे चैतन्य रूपिणी पूर्वे माम पात वाराही ब्रह्माणी दक्षिणे तथा उत्तरे वैष्णवी पात चेन्द्राणी पश्चिमे अवतु माहेश्वरी चाग्नेयाम नैरेत्ते कमला तथा वायव्याम पात कौमारी चामुंडा ही शके अवतु इदं कवचं ज्ञात्वा महाविद्याञ्च योजयेत् न फलं जायते तस्य कल्पकोटि शतैरपि। ये महाविद्या का कवच है। क्रीम 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 रीम रीम ओम ओम दक्षिणे काल के क्रीम 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 रीम रीम ओम ओम स्वाहा। अब इसके उपरांत हम महाविद्या स्तोत्र का उच्चारण कर रहे हैं। तो मैं नरेंद्र सिंह तोमर आन अब महाविद्या स्तोत्र का यहां उच्चारण कर रहा हूं। तो महाविद्या स्तोत्र शिव उवाच दुर्लभम तारिणी मार्ग दुर्लभम तारिणी पदम मंत्रार्थ मंत्र चैतन्यम दुर्लभम शव साधनम शमशान साधनम योनि साधनम ब्रह्म साधनम क्रिया साधनक भक्ति साधनम मुक्ति साधनम। इस्तव प्रसादात् देवेशि सर्वासिद्यन्ति सिद्धया नमस्ते चंडके चंड चंड मुंड विनाशिनी नमस्ते कालिके काल महाभय विनाशिनी शिवे रक्ष जगद्दात्रि प्रसीद हर वल्लभे प्रणमामि जगद्दात्रीं जगत्पालन कारिणीं जगत शोभकारी विद्यां जगत सृष्टि विधायनी करालां विकटां घोरां मुंडबाला विभूषितां हरार्चिता हरारा अब्द्यां नमामि हरवल्लभां गौरीं गुरुप्रिया गौरवर्णालंकार भूषितां हरिप्रियां महामायां नमामि ब्रह्म पूजितां सिद्धां सिद्धेश्वरीं सिद्ध विद्याधर गणेर्युतां मंत्र सिद्धि प्रदां योनि सिद्धिदां लिंग शोभितां प्रणमापि महामायां दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं उग्रा मुग्रमयी मुग्र तारा मुग्र गणेर्युतां नीलाम नीला घनश्यामाम नमामि नील सुंदरी श्यामांगीम श्याम घटिताम श्याम वर्ण विभूषिताम प्रणमामि जगद्दात्रीम गौरीम सर्वात साधिनी विश्वेश्वरी महाघोराम विकटाम घोरनादिनी आद्यामाद्य गुरुराद्यामाद्यनाथ प्रपूजिताम् श्री दुर्गा धनमा धनदामन्नपूर्णा पदमाम सुरेश्वरी प्रणमापि जगद्दात्रीं चंद्रशेखर वल्लभाम् श्री दुर्गाम धनदामन्नपूर्णाम पदमाम सुरेश्वरी
प्रणमापि जगद्दात्रीं चंद्रशेखर वल्लभां त्रिपुरा सुंदरीं बालां बलागण भूषितां शिवदूतीं शिवराध्यां शिवदेयां सनातनीं सुंदरीं तारिणीं सर्वशिवागण विभूषितां नारायणीं विश्वपूज्यां ब्रह्म विष्णु हर प्रियां सर्वसिद्ध प्रदाम नित्याम नित्यं गुणवर्जिताम सगुणाम निर्गुणाम ध्येयामार्चिताम सर्वसिद्धिदाम दिव्याम सिद्ध प्रदाम विद्याम महाविद्याम महेश्वरीम महेश भक्ताम माहेशीम महाकाल प्रपूजिताम प्रणमामि जगद्दात्रीम शुंभासुर विवर्धनीम रक्तप्रियाम रक्तवर्णाम रक्तबीज विवर्धिनीम भैरवीं भुवनाम देवीं लोलजिभ्या सुरेश्वरीं चतुर्भुजां दशभुजां अष्टादशभुजां शुभां त्रिपुरेशीं विश्वनाथ प्रियां विश्वेश्वरीं शिवां अट्टहासाम अट्टहास प्रियां धूम्रवा निवासिनी अट्टहासम अट्टहास प्रियां धूम्र विनाशिनी त्रिपुरेशी विश्वनाथ प्रियां विश्वेश्वरीं शिवां अट्टहासम अट्टहास प्रियां धूम्र विनाशिनी कमलां छिन्न बालांच भांगंगी सुरसुंदरीं षोडशीं विजयां भीमां धूमांच बहुलामुखीं सर्व सिद्ध प्रदाम सर्व विद्या मंत्र विशोधिनी प्रणमामि जगत्ताराम रारांच मंत्र सिद्धये एतेवंच वरारोहे स्तोत्रम सिद्धिकरम परम पठित्या मोक्षमाप्नोति सत्यम वैगिर्नंदनि कुजवारे चतुर्दश्याम मायां जीववासरे शुक्रे निशिगते स्तोत्रं पठित्या मोक्षं वाप्नुयात् कुजवारे चतुर्दश्याम मायां जीववासरे शुक्रे निशिगते स्तोत्रं पठित्वा मोक्षं वाप्नुयात् त्रिपच्छे मंत्र सिद्धि स्यात् स्तोत्र पाठाद्य शंकरे चतुर्दश्याम निशाभागे शनि भौम दिने तथा निशामुखे पठित स्तोत्रम मंत्र सिद्धिम वाप्नुयात् केवलम स्तोत्र पाठादि मंत्र सिद्धिर्नुत्तमा जागार्ति सततम चंडी स्तोत्र पाठाद भुजंगिनी जय मां चंडिके ओम नमः चंडिकाय नमः। ये माँ का कवच एवं स्तोत्र था जिसका हमने यहाँ उच्चारण किया, ये महाविद्या कवच और महाविद्या स्तोत्र कहा और पुकारा जाता है।